हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ नीलम और नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में ऐसे कमाल के टिप्स लेके आई हूँ जिसको देख के आप यही सोचेंगे कि ये सब टिप्स हमको पहले क्यों नहीं पता था। बहुत ही कमाल का टिप्स है और बहुत ही गजब का टिप्स है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने टिप्स की तरफ। पहला टिप्स हमारा यहाँ पे खराटे वाले झाड़ू और मोजे को लेकर है। तो क्या होता है, कितने लोगों के घर पे ये वाला झाड़ू नहीं होता है। सीख वाला झाड़ू होता है और वो जो पत्ते वाला झाड़ू आता है वो होता है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ में बहुत ज्यादा ही लग जाता है। जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो हमारे हाथ में लग जाता है। अक्सर करके सबके घर पे वही झाड़ू होता है, ये झाड़ू तो नहीं होता है। हमारे पास वो झाड़ू नहीं था इसलिए हमने ये झाड़ू लिया, प्लास्टिक वाला। ये प्लास्टिक वाला ही झाड़ू हमारे पास है तो ये टिप्स मैं इसी पे आपको बताती हूँ। आप सीख वाले झाड़ू पे या पत्ते वाले झाड़ू पे ये टिप आप अपना सकते हैं। बहुत ही कमाल का टिप्स है। क्या करना है, ये जो झाड़ू होता है, ये जो हम जहाँ पे पकड़ते हैं, पकड़ के झाड़ू लगाते हैं, उसमें कुछ भी निकला रहता है और हमारे हाथों में चुभ जाता है, वो हमें बहुत ही लगता है। तो उसको खत्म करने के लिए कई सारे बेकार मोजे पड़े रहते हैं हमारे घर पे और हम मोजों को फेंक देते हैं। तो इस टिप्स के देखने के बाद आप भी मोजों को फेंकेंगे नहीं। क्या करना है, मोजों को ऐसे करके और झाड़ू में जहाँ पे हम पकड़ते हैं वहाँ पे पहना लेना है। पहना के आप इसको या तो रबड़ से कवर कर सकते हैं, रबड़ लगा सकते हैं, रबड़ से नोट, या फिर इस पे धागे से बांध सकते हैं। धागे से बांधने के बाद ये बिल्कुल खुलेगा नहीं और निकलेगा नहीं। और झाड़ू हम लगाते हैं तो अच्छी तरह से लगा पाएंगे और हमारे हाथों में झाड़ू लगेगा भी नहीं। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा, बहुत ही कमाल का टिप्स है। जब भी कोई भी झाड़ू आपके हाथों में चुभे तो आप इस तरीके से मोजे से उसको कवर कर सकते हैं और झाड़ू लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये टिप्स आप जरूर फॉलो करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये टिप्स आपको कैसा लगा। चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। दूसरा टिप्स यहाँ पे हमारा अंडा उबालने का है। अंडा जब भी हम उबालते हैं क्या होता है, पतीले में काला काला सा पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें लेना है नींबू और नींबू को निचोड़ देना है। और जब भी आप अंडे उबालें उसमें एक टेबल स्पून नमक जरूर डालें। तो इसमें हम एक टेबल स्पून नमक भी डाल देंगे। आप जितना ज्यादा अंडा लेंगे उतना ज्यादा एक से दो टेबल स्पून नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 अंडे लिए हैं और एक टेबल स्पून इसमें नमक डाला है, छोटा टेबल स्पून से। नींबू हमने इसलिए डालने के लिए इसको बताया है, इसमें जो कालापन पड़ता है वो इससे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और अंडे में क्रैक्स भी नहीं आते हैं और अंडा बहुत ही अच्छी तरह से उबलता है। ये टिप्स किसको किसको पता था, बहुत ही कमाल का टिप्स है और बहुत ही गजब का टिप्स है। इस टिप्स को एक बार जरूर आप फॉलो करें और फिर हमें कॉमेंट करके बताए कि ये टिप्स आपको कैसा लगा। बहुत ही धमाल मचाने वाला टिप्स है। हम अंडे अक्सर करके किसी भी बर्तन में उबालते हैं तो बहुत ही काले काले से पड़ जाते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको अंडा उबाल करके दिखा रही हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं भी थोड़ा सा भी काला सा नहीं पड़ा है, बिल्कुल भी आप देख सकते हैं। और अंडे भी बहुत ही क्लीन इससे साफ होते हैं, आप देख सकते हैं। ये टिप्स आप अपने घर में जरूर अपनाएं। क्या होता है, जब भी हम अंडे को उबालते हैं और जब उसको बर्तन को साफ करते हैं तो जल्दी साफ नहीं होता है, बिल्कुल ही काला काला सा पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अंडों में क्रैक्स भी नहीं आया है और अंडे भी बॉयल हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक अंडा छील के दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से अंडे छिल भी जाते हैं, छिलकी भी बहुत ही आसान तरीके से निकल जाते हैं। बहुत सारी हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडा कितने क्लीन तरीके से साफ हो जा रहा है, छिलका कितने अच्छे से निकल जा रहा है। काफी गर्म है, आप देख सकते हैं गर्म पे ही मैं आपको छिल के इसको दिखा रही हूँ। देखिए कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया। आप हमें कमेंट करके बताएं ये टिप्स आपको कैसा लगा। अंडे के बारे में मैं आपको फिर 2 से 3 टिप्स लेके आऊंगी, बहुत ही कमाल का टिप्स है। चलते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा ये है लहसुन को लेकर। क्या होता है, अकेले लहसुन छिलने को हमें मन नहीं करता है। टीवी वगैरह चलता है, पंखा चलता है, सब लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं तो हम भी सोचते हैं क्यों ना यहीं पे बैठ के हम भी अपना काम कर लें। फिर हम पंखे को बंद नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे लहसुन कैसे छीलें, लहसुन का सारा छिलका उड़ता रहता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हम औरतों को अकेले ही लहसुन वगैरह छीलना पड़ता है ताकि
सारी जगह उड़ेगा तो घर गंदा हो जाएगा और कैसे हम फिर उसको साफ करेंगे, काम हमारा और बढ़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ही कमाल का टिप्स लेके आई हूँ। इस टिप्स को आप देख लेंगे तो हमेशा यही टिप्स फॉलो करेंगे। क्या करना है, लहसुन को पहले ऐसे छील लेना है, उसके बाद जहाँ भी आप लहसुन छीलने बैठे पंखे के पास या कहीं भी, ऐसे एक कटोरे में पानी रख लें। उसके बाद जब भी आप लहसुन को छीलें उसका छिलका उसी पानी में डालते जाएं। इससे आप सबके साथ एंजॉय करके लहसुन को छील सकते हैं और बातों बातों में ही लहसुन भी बहुत ज्यादा छिल जाता है और सभी लोग साथ में बैठे रहते हैं तो देखते देखते सभी लोग भी छिलवाने लगते हैं। बहुत ही कमाल का टिप्स है ये भी। तो आप देख सकते हैं हमने छिलका, इसका छिलका पानी में डाल दिया और कहीं भी छिलका नहीं जा रहा है, मैं पंखे के सामने ही बैठी हूँ, कहीं भी नहीं जा रहा है। इस तरीके से हम बहुत सारे लहसुन छील लेते हैं। इसी तरीके से आप प्याज को भी कट करके इसी तरीके से प्याज भी छील सकते हैं। ऐसे ही पानी लेके बैठे और सारा छिलका उसमें डाल दें तो आपका घर भी नहीं गंदा होगा, जहाँ पे आप बैठेंगे प्याज वगैरह कट करेंगे वहाँ पे ज्यादा गंदा भी नहीं होगा और इस तरीके से आप छिलके को स्टोर कर सकते हैं। ये टिप्स पहले हमको भी नहीं पता था, जब हमें पता लगा तो हम सोचे क्यों ना ये टिप्स आप तक पहुँचाएं। तो बातों बातों में हमने सारा लहसुन छील लिया है तो आप देख सकते हैं छिलका भी बिल्कुल फैला नहीं है। तो ये टिप्स हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में, तब तक